प्रोफेसर रामजी सिंह। रामजी सिंह साहब का स्वागत। जाने माने गांधीवादी और पूर्व सांसद, शिक्षाविद। तालियों से हम स्वागत करेंगे प्रोफेसर रामजी सिंह साहब का भारतीय छात्र संसद के मंच से। बहुत सम्मान के साथ प्रोफेसर रामजी सिंह, आप आइए मंच पर और अपने विचारों को युवा नेताओं के साथ साझा करिए। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रोफेसर रामजी सिंह जी का स्वागत। फ्रेंड्स, इट हैज बीन माय गुड फॉर्च्यून एंड अ प्रिविलेज टू रियली ब्रिंग मिस्टर रामजी सिंह टू द डायस। स्पेशली आई एम रिमाइंडेड टू माय सेल्फ of the year 1996, when this institution had the fortune of organizing the first World Philosophers Meet, which was called as a Parliament of Science, Religion and Philosophy. The brief introduction which was made about Ramjee Singh is not adequate enough, but especially when I saw a great Gandhian, a great philosopher of the world, not of only India alone, who has been the witness for the establishment of the World Peace Center, Alandi Mice, MIT, Pune. And this very Bharatiya Chhatra Sansad is an outcome of that mission of promoting the culture of peace in the world, convey the message of what Mother India stands for, ye Bharat ki bhumi ka ek sandesh dene ke liye, जिस रामजी सिंह साहब ने अपना सारा जीवन समर्पित किया है। गांधी जी और गौतम बुद्ध, बिहार। दोस्तों, मैं एक शब्द कहूँगा कि मैं जब पहली बार कहीं स्विट्जरलैंड गया, जब दूसरी संसद बनानी थी स्विट्जरलैंड जिनेवा में, तो मुझे पूछा गया था कि आप कहाँ से हो, तो मैं जब बोला कि आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया, वो मैनेजर बोलता है, ओ दैट ग्रेट कंट्री ऑफ महात्मा गांधी एंड गौतम बुद्धा। इस भारत देश की पहचान सारी दुनिया में किसी नेता के कारण नहीं, लेकिन ये दो है, गांधी और बुद्धा के नाम पे ये देश को जाना जाता है दुनिया में। और उसके पुजारी है हमारे बुजुर्ग, सिर्फ 90 ईयर्स ओल्ड यंग मैन ऑफ इंडिया टू एड्रेस द यूथ ऑफ इंडिया, रामजी सिंह। परम आदरणीय खरात साहब, उनके सुपुत्र हमारे राहुल जी, यहाँ हमारे माननीय नदीम साहब सुल्तानपुर के विधायक, और सबसे अधिक तो तीसरी पीढ़ी के हमारे आप सब साथी, स्वामी विवेकानंद जब गए शिकागो में भाषण करने के लिए, तो उन्होंने अध्यक्ष मंत्री सब कुछ नहीं कहा, कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। लेकिन आप तो तीसरी पीढ़ी के हैं, तो मुझे लगा कि अगर मैं कहूं कि माय डियर ग्रैंड डॉटर्स एंड ग्रैंड सन्स, तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, ये युवा और वृद्ध का परस्पर विरोध भारतीय संस्कृति के खिलाफ तो है ही, यह वैज्ञानिकता के भी खिलाफ है। अगर अभी विश्वनाथ करात साहब आए, इनको पूछा जाए कि आपकी क्या इच्छा है, तो क्या कहेंगे? और मैं शिक्षक जीवन भर रहा हूँ, मेरी क्या इच्छा है? तो पिता पुत्र से पराजय चाहता है और गुरु शिष्य से पराजय चाहता है। पुत्रात् इच्छेत पराजयम्, शिष्यात् इच्छेत पराजयम्। महाकवि कालिदास ने मालविकाग्नि मित्र नाटक के शुरू में कहा कि ये
बड़े और छोटे का भेद, वृद्ध और युवक का भेद गलत है। उन्होंने कहा कि ये कहना कि सभी पुराने लोग अच्छे होते हैं और ये कहना कि सभी युवा वर्ग के लोग खराब होते हैं, ये दोनों गलत है। ये पहला श्लोक है मालविकाग्निमित्र का। इसीलिए हमको जब इस पर चर्चा करनी चाहिए तो थोड़ा सा संतुलित होकर के चर्चा करनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि अध्यापक जो हमारे विद्यार्थी हैं या जो युवक हैं, युवक को क्यों कहा जाता है, एक बात तो बहुत मेरे समझ से गलत दर्शन है कि हम मान लेते हैं कि अध्यात्म और राजनीति केवल अनुभव प्राप्त वृद्ध बड़े लोगों का है, अभी जैसा बताया गया, ये गलत है। अगर आप देखेंगे इतिहास, मानव सभ्यता का इतिहास अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि युवक लोग अध्यात्म के क्षेत्र में भी अपने सबसे बड़ी ऊंचाई पर हैं। वो कौन थे? सनत कुमार छोटे थे, नचिकेता छोटे थे, राम और लक्ष्मण छोटे थे, कृष्ण संदीपन के आश्रम में छोटे थे। इसलिए अध्यात्म बुढ़ापे की बुरभस नहीं, जब दांत टूट जाए, केस सफेद हो जाए, तब अध्यात्म शुरू होना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। ध्रुव और प्रहलाद कौन थे? अध्यात्म के शिखर पर थे, लेकिन वो युवा थे। उसी प्रकार राजनीति के संबंध में भी ये कहना कि युवा नहीं कर सकते, शायद इस पर पुनर्चिंतन करना होगा। मैं पांच बातें इस संबंध में आपके सामने कहता हूं। एक, समाज मनोविज्ञान की दृष्टि से और मानव मनोविज्ञान की दृष्टि से, देखिए जो युवा शक्ति होती है, युवक जो होता है, उसके पास ऊर्जा रहती है, उसको साइकोलॉजी में सरप्लस एनर्जी होती है। हम लोग थोड़े हैं, सो जाएंगे, लेकिन आप में शक्ति है, और जहां शक्ति नहीं है वहां परिवर्तन भी नहीं हो सकता। लेकिन केवल शक्ति ही नहीं है युवक लोगों में, उनमें जोखिम उठाने की क्षमता भी रहती, रिस्क ले सकते हैं, जोखिम उठा सकते हैं, और जो जोखिम नहीं उठा सकता है वह इनकलाब नहीं कर सकता। तीसरी बात है कि जब आप सोचिए आध्यात्मिक दृष्टि से, तो आप जानते हैं कि बच्चा निष्पाप होता है, इसीलिए निहित स्वार्थ, वेस्टेड इंटरेस्ट बूढ़े बुजुर्गों में ज्यादा होता है, नौजवानों में वेस्टेड इंटरेस्ट कम से कम होता है, और जिसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है वो सब कुछ हो सकता है, क्रांतिकारी नहीं हो सकता है। एक और चीज कहते हैं कि इतिहास साक्षी है कि जब युवा शक्ति जगती है, अभी 30 बरस पहले जब युवा शक्ति यूरोप में जगी तो फ्रांस का डेगाल हट गया, कितनी बड़ी बड़ी ताकतें अपने भारत में भी जब युवा शक्ति जगी तो एमरजेंसी कहां गई कुछ पता नहीं है, शायद इतिहास के कूड़ेदान में चली गई थी। इसीलिए युवा शक्ति के पास, युवा शक्ति का की अर्चना, अभ्यर्थना, असल में मुझसे पूछिए तो ये भगवान की और युग पुरुष की, युग धर्म की वंदना है। मैं इसलिए ये कहता हूं, दूसरा शब्द जो आपके पास है कि ये जिस
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कहते हैं, बहुत लोग कह करके चले गए, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी संस्कृति और अंग्रेजी राजनीति की लिगेसी है, विरासत है। और मैं बहुत विनय के साथ विस्तार में तो फिर कभी मैं कहना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार राजतंत्र के इस खंडहर पर प्रजातंत्र का उठे नव शिखर, जो प्रजातंत्र आया था, जो हिंदुस्तान नहीं समूचे दुनिया में जो लोकतंत्र का प्रवाह चला, तो प्रथम प्रवाह यूनान और रोम के पहले भारत में चला था। ये प्रजातंत्र किसको कहते हैं? पॉलिटिकल इक्वल, इन्हें राजनीतिक समानता में जो आस्था रखता है वही लोकतांत्रिक व्यक्ति है। और इसलिए आप जानते हैं कि जो ये प्रजातंत्र का था भारत में, वेद का हम सूत्र कहते हैं संज्ञान सूत्र, संगच्छद्भम संबद्धद्भम संमनांसी जानताम, ये समाना वो आकृति समाना हृदयानियो सचित्तमेशाम, जहां समानता की वंदना इतिहास में थी वैदिक, और वैदिक युग में इतिहासकार हो गलत हो तो हमें बता देंगे, भारतवर्ष में लोकतंत्र बहुत पहले था, जब यूरोप के लोग सपना भी नहीं सके थे। मैं कोई क्षुद्र राष्ट्रीयता की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, इतिहास का सत्य कह रहा हूं आपसे कि वैदिक युग में, वो देखिए आप पढ़िए काशी प्रसाद जायसवाल की किताब हिंदू पॉलिटी, हिंदू का मतलब वो सांप्रदायिक नहीं है, वो इतिहास के कितने विद्वान, उन्होंने कहा था कि वहां गणराज्य थे। मैं तो बिहार से आता हूं और लिच्छवी तो बाद में आए, लेकिन वैदिक युग में गणराज्य थे, एक एक गांव में गणराज्य हुआ करते थे और गण सभा होती थी और गण समिति, काउंसिल ऑफ पर्सन्स जो कहते हैं अभी कुछ लोग, वो गण समिति कहते थे, और गण सभा होती थी। तो उस समय गांव छोटे छोटे में थे लेकिन स्वयं पूर्ण स्वावलंबी थे। और भारत के इतिहास को अगर समझना चाहें तो आप समझ लीजिए, जब तक गांव पूर्ण रूप से स्वायत्त स्वावलंबी और स्वयं पूर्ण थे, तब आक्रमणकारी आए, शक सीथियन गुर्जर प्रतिहार यूनानी पठान मुगल, लेकिन भारत का गांव स्वतंत्र रहा। आज भारत का गांव ही समाप्त हो रहा है, भारत माता ग्रामवासिनी सम। तो मैं इसलिए आपको कहा कि ये जो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी जो चिल्ला रहे हैं, ये डेमोक्रेसी का जो वैचारिक और आध्यात्मिक और राजनीतिक स्वरूप भारत के इतिहास में गर्हित था। और लेकिन हम लोग तो, हमारी बदकिस्मती थी कि हम लगभग 1000 वर्ष तक गुलाम रहे। मैं गुलाम भारत में पैदा हुआ था, लेकिन युवा शक्ति का जब आरोहण हुआ तो देश की आज़ादी भी देखी। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, ये जो प्रजातंत्र लोकतंत्र है, ये भारतीय संस्कृति का नहीं है। आप क्या कहते, भारत में पंचायत की संस्कृति गांधी जी ने कही, ये जो बनाया गया 73rd Amendment और जो 39th Amendment जो धारा थी भारतीय संविधान की, वो पंचायत नहीं, बल्कि पंचायत का मतलब जो पांच ही मत लागहिनी का, चार बोले परमेश्वर नहीं, पंच बोले परमेश्वर। इसलिए सहमति कंसेंसस, और जिस तरह से देश की लोकसभा रहते हुए भी देश दो खंडों में, तीन खंडों में बट गया है, जिस तरह से प्रदेश बट गए हैं,
उसी तरह से ये पंचायत जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को किया गया है, पंचायत भी बस बट गए हैं। इसीलिए कैसी पंचायत होनी चाहिए, कैसा लोकतंत्र होना चाहिए, अभी समय नहीं, लेकिन वो है। और इसीलिए गांधी जी ने इस लोकतंत्र को क्या कहा था, छोड़िए मेरी बात, आपने गांधी की बड़ी प्रतिष्ठा की, और ये जो लोकतंत्र चल रहा है, जो हमने उधार लिया है अंग्रेजों से, उसके विषय में उनकी किताब हिंद स्वराज में वो शब्द कहें आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, लेकिन अहिंसा का अवतार कह रहा है कि ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी इज ओनली सो कॉल्ड, इट इज डाइल्यूटेड फासिज्म एंड नाजीज्म। और कहा नहीं, ये समझने की बात है कि आप लोकतंत्र, हम तो सुने स्पीकरों का, सुने सांसदों का, सुने, लेकिन लोकतंत्र भारत में 21वीं सदी में भारत लोकतंत्र का एक नया रूप प्रदर्शित करेगा। गांधी जी ने इसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कहा था कि ये बैरन ओमेन, लाइक ए बैरन ओमेन, बांझ औरत की तरह, और कहा था, सुनेंगे, ये इट इज लाइक ए प्रोस्टिट्यूट। बैरन ओमेन क्यों कहा, अपनी इच्छा से पार्लियामेंट कोई काम नहीं करता। मैं जब पार्लियामेंट में था तो मैंने राइट टू वर्क बिल रखा था, राइट टू रिकॉल रखा था, लेकिन हम दबाव बना नहीं सके। थोड़ा सा दबाव बनाया अन्ना ने और रामदेव बाबा और लोगों ने,